दिल्ली के बुद्ध विहार में गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों की सुविधाओं को देखते हुए वोटर आई कार्ड और लेबर कार्ड का कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन बुद्ध विहार से भाजपा निगम पार्षद द्वारा उनके कार्यालय में किया गया। आपको बता दें कि इस कैंप का आयोजन बीते 10 अगस्त से किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया। इस कैंप में लोगों की पहचान पत्र से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय निगम पार्षद ने बताया कि भाजपा द्वारा आमजन की सुविधाओं के मद्देनजर लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। इसी कड़ी में इस कैंप का आयोजन किया गया ताकि लोगों को घर बैठे उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने भी इस कैंप की जमकर सराहना की और निगम पार्षद को इसके लिए बधाई का पात्र बताया। टैग किया कि सेवा ही संगठन, क्योंकि भाजपा हमेशा सेवा के उससे चलती है। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में उनके पंक्तियों पर, तो उसी के तहत सेवा ही संगठन के तहत हमने ये पूरे वार्ड में समय समय पर क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए अनेक काम करे। जैसे अभी हमने आधार कार्ड का कैंप लगाया, 4 दिन का आधार कार्ड का कैंप चला, पूरे क्षेत्रवासियों ने उसमें बहुत ही बढ़ कर हिस्सा भी लिया, बहुत उनको लाभान्वित भी हुए। अभी हमने 4 दिन से यहाँ पे लेबर कार्ड का कैंप लगा हुआ है और पहचान पत्र को बनाने का या किसी को उसमें कोई मिस्टेक है वो ठीक करने का वो भी कैंप चल रहा है 4 दिन से। तो लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जहाँ पे उनको काफ़ी पे करके भी ये काम नहीं हो पा रहा था उनका, तो यहाँ पे बहुत सहूलियत भी हो पा रहा है। तो काफ़ी चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और मास्क का भी ध्यान रखा जा रहा है कि हर कोई मास्क पहनकर रहे। हमारे निगम पार्षद जी ने समय समय पर कैंपों का आयोजन किया, जिसके तहत पिछले हफ्ते हमने आधार कार्ड का कैंप लगवाया और अब 2-4 दिन हो चुके हैं पहचान पत्र जिसको आईडी कार्ड बोलते हैं। लोग बड़े परेशान थे उसके लिए, उन्होंने प्रहलादपुर जाना पड़ता है और काफ़ी लोगों के पास सुविधा नहीं थी, साधन का अभाव था, इसके कारण वो परेशान थे, कभी बन नहीं पा रहे थे। तो पार्षद जी ने इसके विषय में उनकी समस्याओं को देखते हुए अपने ही ऑफिस पर, निगम पार्षद ऑफिस पर कैंप लगाया। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम आम जन की सुविधाओं के लिहाज से बेहद फायदेमंद साबित होते हैं, लिहाजा जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहें ताकि आम जन को ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। दिल्ली से अनुज झा की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।